কেসে হ্যাঁ আই রিয়েলি হোপ দ্যাট ইউ গাইজ আর ডুইং ওয়েল। তো আমি আশা করছি তোমরা বন্ধুরা সকলে খুব ভালো আছো। তো মেন ভিডিও মে শেয়ার করনে ওয়ালি হুম ইয়ে লং লাস্টিং সামার মেকআপ লুক আর ইয়ে হ্যায় ভো লুক জো মে ইস ভিডিও মে আপকো দিখাউঙ্গি। আর ইয়ে মেকআপ লুক আসানি সে 9-10 ঘন্টে তো রহি জাতা হ্যায়, আগার আপ থোড়া সা কম্প্যাক্ট পাউডার টচ আপ করলে তো উসসে ভি জ্যাদা লং লাস্টিং হো জাতা হ্যায় ইয়ে। तो वीडियो को देखने से पहले मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन है आप प्लीज उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो इफ यू डोंट नो हाउ आई गॉट दिस मेकअप लुक ऑन देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। तो ऑलरेडी मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लिया है तो हम स्टार्ट करेंगे प्राइमर से। और मैं ये यूज कर रही हूँ, ये एक मैटिफाइंग प्राइमर है, ये है लॉरियल बेस्ड मैजिक प्राइमर और मैं इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूंगी। नाउ आप फाउंडेशन लगा रहे हैं या नहीं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फेस पे एक प्राइमर लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उससे फेस पे एक अच्छा स्मूथ बेस बन जाता है, अगर पोर्स है तो हाइड हो जाते हैं। उसके बाद मैं अपने लिप बम से अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज कर रही हूँ। देन मैं ये कंसीलर यूज करूंगी अपने फेस। मैं ना कोई बीबी क्रीम या सीसी क्रीम यूज करने वाली हूँ, ना ही कोई फाउंडेशन यूज करने वाली हूँ। मैं बस ये एलिगल प्रो कंसीलर को अंडर माई आईज, अराउंड माई माउथ एंड नोज एरिया एंड जहाँ पे थोड़ा बहुत डार्कनेस है या फिर स्पॉट्स है वहां पर इसको मैं लगा रही हूँ उनको हाइड करने के लिए। उसके बाद मैं एक फिंगर से इसको अच्छे से अपने फेस पे ब्लेंड कर दूंगी। नाउ फाउंडेशन से ज्यादा कंसीलर जो होते हैं वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं तो मैं इसीलिए कंसीलर यूज कर रही हूँ। उसके बाद मैं ये भारत एंड डोरिस लूज पाउडर यूज करके जो कंसीलर है और उसके साथ पूरे फेस को अच्छे से मैं सेट कर दूंगी इस लूज पाउडर की हेल्प से। नाउ कंसीलर को लूज पाउडर से सेट करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो वो क्रीज होने लग जाए। मैं आईब्रोज को फिल करने के लिए यूज कर रही हूँ ये शुगर कॉस्मेटिक्स का आईब्रो पेंसिल। नाउ ये आईब्रो पेंसिल बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग भी है और स्मज प्रूफ भी है। आप चाहे तो कोई भी जेल प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, वो भी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, जैसे कि जो आईब्रो पोमेड होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। नाउ मैं यूज कर रही हूँ मेपलिन ब्लैक जेल आईलाइनर और इसकी हेल्प से मैं एक विंग्ड आईलाइनर बनाऊंगी। मैं आईज पे और कुछ नहीं करने वाली हूँ, मैं बस एक बड़ा सा थिक विंग्ड आईलाइनर बनाऊंगी इसकी हेल्प से, क्योंकि जो जेल आईलाइनर होते हैं वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और जो कि लिक्विड आईलाइनर्स होते हैं वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। तो उससे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं ये जेल प्रोडक्ट और ये गर्मी के टाइम में ऑलमोस्ट 10-12 आवर्स तक रह जाते हैं ये जेल आईलाइनर, तो मैं इसीलिए ये यूज कर रही हूँ। अगर आप मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं तो ऑलवेज मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पाउडर प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी ना यूज करें, जेल प्रोडक्ट्स यूज करें। उसके बाद मैं अपने आईलैशेस को कर्ल कर रही हूँ एंड देन मैं मस्कैरा अप्लाई करूंगी, ये है मेबलिन हाइपर कर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस वाटरप्रूफ मस्कैरा। नाउ समर टाइम में एक लॉन्ग लास्टिंग मेकअप के लिए आपको हमेशा वाटर प्रूफ मस्कैरा ही यूज करना चाहिए, नहीं तो मस्कैरा अगर वाटर प्रूफ नहीं होगा तो पसीने के साथ वो मेल्ट होके अपने आपके पूरे फेस पे फैल जाएगा। मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए हमेशा वाटर प्रूफ प्रोडक्ट्स यूज करना बेस्ट होता है। देन मैं यूज कर रही हूँ ये लैक्मी 9 to 5 लिप एंड चिक मूज लिपस्टिक, क्योंकि ये भी एक लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है और ऑलमोस्ट 8-9 घंटे तो रह जाता है और ये आप अपने लिप्स पे और चिक्स पे दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो शेड नेम है वो है क्रिम्सन सिल्क। और समर टाइम में लॉन्ग लास्टिंग मेकअप पाने के लिए मैं कहूंगी कि आप कोई भी मैट लिपस्टिक यूज कर सकते हैं और मैं इसी को अपने एप्पल ऑफ माई चिक्स अप्लाई कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसको अपने फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करूंगी। नाउ चिक्स पे अगर आपको ब्लश लगाना है तो कभी भी पाउडर प्लस ब्लश बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। बट नाउ मैं इसको फर्दर और थोड़ा सा ब्लेंड करने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा कंसीलर लगाऊंगी और इसको फिर दोबारा अपने फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर दूंगी ताकि जो ब्लश है वो ओवरली ब्लश्ड ना लगे मेरा फेस। और उसके बाद मैं एक डैम्प स्पंज की हेल्प से इसको थोड़ा सा और ज्यादा ब्लेंड कर दूंगी और उसके बाद मैं इस
क्रीम प्रोडक्ट को थोड़ा सा लूज पाउडर की हेल्प से सेट कर दूंगी ताकि ये भी क्रीज ना हो और मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे। और ये है कंप्लीट मेकअप लुक, ये है हमारा लॉन्ग लास्टिंग समर मेकअप। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना है आपको, और फ्यूचर में और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मैं मिलूंगी आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।